सी है DJI की तरफ से, DJI का स्पार्क कैमरा ड्रोन। फ्रेंड्स यह ड्रोन हमने ऑनलाइन परचेज किया था। चलिए फ्रेंड्स बॉक्स को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स बॉक्स, इसमें दो बॉक्स दे रखे हैं हमको, जिसमें एक में तो कैमरा है और दूसरे में इसकी बैटरी और अदर्स पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स इसमें DJI का कैमरा है, हम इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स यह है DJI का कैमरा, इसके साथ हमको दो बैटरी मिलती हैं। फ्रेंड्स यह है इसका कैमरा, गिम्बल कैमरा है फ्रेंड्स जी, ये इधर से ऑन होता है। फ्रेंड्स ये इसकी दूसरी बैटरी है, और ये इसके अदर प्रोपेलर हैं, जो यदि आपका कोई एक प्रोपेलर टूट जाता है तो इसकी जगह में ये लगा सकते हैं। और ये है बॉक्स, इस बॉक्स में हम इस ड्रोन को रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये कैमरे की रिमोट है, हम इसमें फोन लगा सकते हैं। और ये इसका चार्जर है बैटरी का, ये इसकी पिन है फ्रेंड्स। हम इनको ओपन कर लेते हैं। ये सेफ्टी है जिससे ड्रोन कहीं टकराए ना। और फ्रेंड्स इसमें बैटरी चार्ज करने की है, इसमें बैटरी लगती है फ्रेंड, जिससे चार्ज हो जाएंगी बैटरी। इसमें तीन बैटरी लगा सकते हैं फ्रेंड्स एक साथ चार्ज करने के लिए। और यदि आपको कहीं ले जाना हो तो इस तरह इस बॉक्स में कैमरा और अदर पार्ट्स रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपका भी कम बजट है तो यह ड्रोन आपके लिए बहुत अच्छा है, यह ड्रोन बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हमने इसको यूज कर चुका है फ्रेंड्स। और यदि आपको यह ड्रोन बाय करना हो तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स अब इस ड्रोन को हम नीचे रख के इसको ओपन कर लेते हैं और अब हम इसको उड़ाएंगे। अब इसको ऑन कर लेते हैं और इसके रिमोट को पहले से कनेक्ट कर रखा है फ्रेंड्स, इसमें अब फोन लगाएंगे। अब इसके रिमोट को ऑन कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमने कर लिया है। अब फोन से कनेक्ट करके इसको उड़ाते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसानी से उड़ जाता है और बहुत ही स्मूथ तरीके से उड़ता है फ्रेंड्स। ये हमने इसकी वीडियो बनाई है, ये कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं होता। फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन को दबा लेना फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।